आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट आलू पोहे से एकदम टेस्टी सा स्नैक स्माइली बने हैं ये एकदम क्रिस्पी करारी और खाने में इतना बढ़िया स्वाद आता है इसका और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बाज़ार से जो स्नैक्स हैं वो नहीं लाएंगे आप इन्हें बच्चों को एक बार बना के दें बहुत ही बढ़िया बनते हैं एकदम क्रिस्पी करारे और टमाटो कैचअप या चटनी के साथ इसे सर्व करें बहुत टेस्टी लगते हैं तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले मैंने एक कप पोहे को बिल्कुल अच्छे से धो के इसको पाँच मिनट के लिए भिगा के रख दिया था और अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसका सॉफ्ट सा एक डो बना के तैयार कर लेती हूँ बहुत अच्छे से इसको मसलना है और ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल अच्छे से एक डो बना के तैयार कर लिया है इस तरीके से हाथों से मसल मसल के और अब मैंने लिए हैं दो उबले हुए आलू इसको मैंने ग्रेट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से बारीक और इनको भी इसमें डाल देते हैं आलू बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए तभी ये अच्छे बनेंगे एकदम क्रिस्पी बनेंगे तो अब हम आलू डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से एकदम बारीक डो की तरह ये बन के तैयार होगा जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं उस तरीके से और ये हमारा तैयार हो गया इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसमें आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं और दो चम्मच इसमें डालेंगे हम चावल का आटा एकदम क्रिस्पी करने के लिए इसको आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं लेकिन चावल के आटे से एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे ये और अब हम इसको फिर से हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं एक बढ़िया सा हमारा डो बन के तैयार हो गया है ये और अब हम इसके इस तरीके से थोड़ा सा बड़ी साइज़ की एक से बना के हम तैयार करेंगे इसको इसे थोड़ा सा तेल लगा के हम इस चकले के ऊपर रख के इसको बेल लेते हैं आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी लोई बना के भी इसको बेल सकते हैं तो इस बड़ी लोई से ये तीन से चार स्नैक्स एक साथ बन जाएंगे तो इसको हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं इस तरीके से एकदम बारीक नहीं बेल पतला नहीं बेलना है हमें इसको थोड़ा सा मोटा रखना है और बेलने के बाद इस तरीके से गिलास लिया है मैंने और इसके हम बीच में से इस तरीके से गोल गोल पूड़ी की तरह से काट लेते हैं और आप चाहे तो छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं तो इस तरीके से सारे एक साइज के बनके तैयार होंगे जितनी इसमें पूड़ियाँ बनी हैं वो मैंने काट ली हैं और ये देखिए और इसका जो एक्स्ट्रा आटा या मिश्रण है इसको हम हटा लेते हैं इस तरीके से ये सारी जो काटी थी हमने स्माइली बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई हैं तो अब हम इसको इस्माइली का सेप देते हैं इस तरीके से मैंने लिया है चॉपस्टिक एक और इसकी पहले आंखें बनाएंगे इस तरीके से और अब इसकी चम्मच से हम मुंह बनाएंगे इस तरीके का चम्मच लेंगे और नीचे से इसका इस तरीके से घुमाते हुए थोड़ा सा काट देते हैं ये देखिए हमारा जो इस्माइली है एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन गया है तो बाक़ी बचे हुए स्नैक्स में भी हम इसी तरीके से स्माइली बना देते हैं सारे स्माइली बन गए हैं हमारे ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम मुँह जैसा लग रहा है और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं तो इतने बना लिए इनको हम फ्राई करेंगे एकदम बारीक नहीं करना है इन्हें एकदम पतला नहीं रखना है थोड़ा सा मोटा रखना है जैसे नॉर्मल पूड़ी पराठे रहते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखना है तो ये अच्छे से फूलेंगे और एकदम क्रिस्पी बनेंगे तेल अच्छा सा गर्म है उसके बाद इसमें डाल देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे मीडियम फ्लेम में इन्हें बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी होने तक का हम फ्राई कर लेंगे उलट पुलट के ये देखिए इसको पलट लेते हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे एकदम परफेक्ट बनेंगे तो इस तरीके से इन्हें एक किसी कांटे से या चम्मच से पलट लेते हैं और उलट पुलट के बढ़िया सा क्रिस्पी हो गए हैं ये और इन्हें निकाल लेते हैं ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं एक बार इस तरीके से बनाएंगे जो बाहर से कुरकुरे चिप्स वगैरह लाते हैं उससे बहुत अच्छे होते हैं ये और इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे बाकी सारे स्माइली भी इसी तरीके से बना लेते हैं ये सारे स्माइली हमारे बन के तैयार हैं एकदम क्रिस्पी टेस्टी से इसको आप टमाटो केचप के साथ सर्व करें हरी चटनी के साथ सर्व करें बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें